se jo, nazara I was, lots of things which were flashing in my mind. Ek chota example jo, Dasi was sharing yesterday. When first time I came to Bombay and we were walking at the beach and when we, we went back, माइ डॉटर सेट दे वॉज़ अ प्लेस विच आई लव द मोस्ट इन बॉम्बे वेर पानी आता था और बाबा जी के पैरों को धनखा करके वापस चला जाता था इससे खूबसूरत शायद बीच की डेफिनेशन मैंने दुनिया में कभी नहीं सुनी थी कि वाकई में ये कुदरत के नज़ारे भी तरसते थे और मौके की ताक में होते थे कि जहाँ जहाँ वो गए एक ऐसा जीवन एक ऐसी छवि हर एक इंसान में मिलियंस ऑफ पीपल हैव एक्सपीरियंस यहाँ पे जितने लोग हैं सब ने ये हर किसी के अगर यहाँ पे बुलाकर सबसे पूछा भी जाए तो हर एक इंसान ये कहेगा कि वो जो मुड़ के देखा वो सिर्फ मेरे लिए था करोड़ों लोग एक ही बात कैसे कह सकते हैं दिस इज़ वॉट द मैजिक और आज तो बस यही एक जब जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री मन में आई तो दो ही जो बचपन में अक्सर हम अपने पेरेंट्स को जब स्कूल में गाते थे तो ये मीनिंग समझ नहीं आता था दासी तो बहुत अंधेरे से यहाँ पहुँची बहुत कुछ देखा बहुत कुछ सीखा और सही मायनों में समझ इस दरबार में आके आया कि वो जो दो लाइनें की त्व माता त्वमे पिता त्वमे व बंधु च सखा त्वे कि आप ही सब कुछ हैं माँ बाप सब कुछ आपने हमें चलना सिखाया आपने हमें सही मायनों में लिट्रेसी स्किल तो आप बहुत स्कूलों में ले लेते हैं बहुत कुछ आपको डिग्रीज भी आ जाती हैं बट सही मायनों में उनको कैसे अपने जिन जीवन में अपनाना है डे टू डे लाइफ में उसे एक्सपेरिमेंट करना है और उस पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि उस पूरे प्रोसेस में हम ये ना भूलें कि वी आर पार्ट ऑफ दिस और ये भी एहसास रहे कि ये इनकी नज़र करम है कि हमें इन्होंने अपना लिया आई डोंट चूज द बेस्ट रादर द बेस्ट चूज इज मी हैड इट बिन ऑल अप टू मी आई वुड है दिज लाइन्स एक्सप्लेन्स एवरी थिंग इट्स नॉट माई लक इट्स एक्चुअली हिज ग्रेस बाबू जी एंड माथा जी यू हैव चोजन ऑल ऑफ आस सो द ड्यूटी इनक्रीज़ सो एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिंगल सिंगल एक्शन देट वी डू एवरी डे आज कल जब हम समागम से वापस जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक हमें मिलता है अक्सर ये बड़े एक वर्ल्ड ईशू है अभी तो दासी को एक छोटा सा ख्याल इस ट्रैफिक में फंसते हुए आया जब खिड़की से बाहर देखा सो so जो इंसान ट्रैफिक में जब हम फंसे होते हैं गाड़ियाँ एक के साथ एक लगी होती हैं और जब आप वहाँ देखें कि जितनी बड़ी गाड़ी उसको निकलने में उतना बड़ा समय लगता है एक ट्रक को टाइम लगता है गाड़ी से ज़्यादा उसके बाद एक छोटे स्कूटर को टाइम लगता है आ, कम टाइम लगता है एक गाड़ी से मतलब उस तरह से कंपैरिज़न करें और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो इंसान खाली हाथ होता है और जो पैदल होता है वो फटाफट फटाफट -फ़ड़ रास्ता बना के चला जाता है सेंस दिस इज़ वन थिंग विच आई ऑलवेज रियलाइज द मोर लाइटर यू आर द मोर कम्फर्टेबल योर लाइफ वुड बी वी ऑलवेज कैरी बैगेज ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन आर माइंड जितने आप हल्के होंगे जितनी चीज़ें बोझ कम होगा उतना रास्ता आसान होगा वरना हम उसी ट्रैफिक में ट्रक लेकर फंसे होंगे या कभी गाड़ी में फँसे होंगे और कभी हम रास्ता ही ढूँढते रह जाएंगे और हमारा रास्ता कभी कट ही नहीं पाएगा सेंध so ये इनकी ब्लेसिंग है कि हम लोगों को उन्होंने एक रास्ता दिया कि ये डेस्टिनेशन पॉइंट है ट्रैफिक बहुत मिलेगा बहुत चीज़ें रास्ते में आएंगी, सम आर बिग सम आर स्मॉल सो नाउ योर चैलेंज हाउ टू ओवरकम दैट आर यू गोइंग टू स्टॉप क्या गाड़ी बंद करके बाहर निकल के लड़ना शुरू कर देंगे या गाड़ी साइड पे लगा के ट्रैफिक को ठीक करेंगे या उसमें क्या रोल आप अदा करते हैं दैट इज़ वॉट एवरीबडी इज़ सपोज टू डू दैट इज़ वॉट चीज़ टीचिंग अस एवरी मोमेंट हैव पेशेंस बी काम रिलैक्स हो जाएगा डोंट वरी सिंस दैट यू ऑलवेज यू नो आई लव आई लव टू बी विद किड्स आई लव टू बी अराउंड विद किड्स बिकॉज आई लर्न अलॉट फ्रॉम देम एंड एवरी मोमेंट वन आई सिट विद दैम

कि एक बार एक पिकनिक पे हम लोग गए और बहुत पिकनिक पे खाना वाना एक बच्चा था जो अक्सर हमें तंग करता था खाने के लिए तो हमने ये देखा कि वो बच्चा खीर बड़े स्वाद से खा रहा है उसने बाकी खाना नहीं खाया उसने खीर खाई तो हम ना समझ मैं तो अपने आपको कहूँगी मुझे लगा वो खीर खा रहा है मैंने उसी प्लेट में एक चम्मच खीर एक बार फिर डाल दी तो उसने मुझे बड़ा घूर के यूँ देखा तो आई सेट वोट हैपन यू लाइक इट आई नो वाई डोंट यू हैव इट डोंट यू अंडरस्टैंड दे हर सो मैनी किड्स इफ़ आई ईट मोर खीर समबड़ी विल गेट लेस सो दैट वॉज अ थिंग विच एक्चुअली मेड मी कराई एंड आई रियलाइज कि मेरे पास ज़्यादा हो ये ख्वाहिश छोड़ के हम ये समझें कि कितना हम बाँट सकें एक छोटे से बच्चे ने मुझे ये बात सिखाई कि ज़्यादा स्वाद के लिए खाना तो मुझे अच्छा लगेगा पर जब हम एक साथ परिवार में बैठते हैं तो मेरा ज़्यादा खाना किसी का हिस्सा कम कर देगा so since when we come to samagam when we sit together just work together and spread smiles that is what our Mataji is teaching us every moment i have never seen i have never uh, you know had any kind of experience in my life where i have seen that ki, kabhi kisi aise moment pe aise baat kabhi observe bhi nahi ki, ki bada dil ho sakta hai ki itni, mus, itni ziada, हम सबके लिए मुस्कुराते हुए हमेशा हमारे साथ आज भी महापुरुषों हम सब मिलके यही अरदास करें कि माता जी आपकी सेहत अच्छी रहे आप हमारे सिर पे हमेशा बने रहें और गुरु परिवार की हम हर पल आखिर स्वास्थ्य तक सेवा कर सकें क्योंकि ये जो जो हम ये आज ये प्रिविलेज समझते हैं कि वी आर द चाउजन वन इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स अ बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ आस टू फाइंड द यू नो डेस्टिनेशन पॉइंट शो ना द्ञान वेन वी गेट ज्ञान वी हैव अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ आस नाउ जस्ट प्ले टू ऑल माई टी एंड जस्ट थिंक इन आर हार्थ्स कि हम जब यहाँ से जाएँ तो झोलियाँ भर भर के आशीर्वाद लेके जाएँ और अपने आप से ये वादे करें कि उस जीवन की डगर को हमने ट्रैफिक से कंट्रोल करना है या हल्का फुल्का होकर चुपके से पतले पतले रास्तों में से निकल कर फटाफट उस डेस्टिनेशन पहुंचना है, जहाँ ये हमें पहुंचाना चाहते हैं धन अंकार जी धन निरंकार जी